नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या आप जानते हैं कि शनि देव पर तेल क्यों चढ़ाया जाता है? शास्त्रों में शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। उनका एक अहम स्थान है। धर्म ग्रंथों के अनुसार शनि देव कर्म प्रधान देवता हैं और वे मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। इसलिए शनिवार का दिन शनिदेव की पूजा के लिए खास माना जाता है। शनिदेव के अशुभ प्रभाव को कम करने व उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के पूजन भी किए जाते हैं। देखा जाता है कि शनिदेव की कृपा पाने के लिए लोग हर शनिवार शनिदेव पर तेल चढ़ाते हैं, परंतु अधिकांश लोग इस कर्म को शनि की कृपा प्राप्त करने की प्राचीन परंपरा मानते हैं। लेकिन पुराण कथा के अनुसार शनिदेव को तेल से दर्द में राहत मिलती है और तेल चढ़ाने वाला उनका कृपा पात्र हो जाता है। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिरों में उन्हें सरसों का तेल अर्पित किया जाता है, जिसके कारण उनकी मूर्ति तेल में डूब जाती है। इस कारण लोग सरसों के तेल का ही दीपक जलाते हैं। ऐसे में आपके दिमाग में भी ये सवाल उठता होगा, शनिदेव को आकर सरसों का तेल इतना प्रिय क्यों है? दरअसल इससे जुड़ी पुराण कथा है, जहाँ जानिए इस कथा के बारे में। एक बार रामायण काल में शनि देव को अपने बल और पराक्रम पर घमंड हो गया था। उस समय हनुमान जी के भी पराक्रम की कीर्ति चारों और चारों दिशाओं में फैली हुई थी। जब शनि देव को हनुमान जी के बल का पता चला तो वे भगवान हनुमान से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। जब शनि हनुमान जी के पास पहुंचे तो देखा कि भगवान हनुमान जी तो एक शांत स्थान पर अपने स्वामी श्री राम जी की भक्ति में लीन बैठे हैं। ये देख शनि देव ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। जब भगवान हनुमान जी ने शनि देव की युद्ध की ललकार सुनी तो उन्होंने शनि को समझाकर युद्ध ना करने के लिए कहा, लेकिन वे युद्ध पर अड़ गए। इसके बाद हनुमान जी शनि देव के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए और दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में शनि देव भगवान हनुमान से बुरी तरह हार गए। हनुमान जी के प्रहारों से उनके शरीर में चोटें आ गई और वे दर्द से परेशान हो गए। इसके बाद हनुमान जी ने उनके शरीर पर सरसों का तेल लगाया, जिससे उनकी परेशानी दूर हुई। इसके बाद शनि देव ने कहा कि आज के बाद जो भी मुझे सच्चे मन से सरसों का तेल चढ़ाएगा, उसको शनि संबंधी तमाम कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तब से शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू होगी। माना जाता है कि शनिवार के दिन जो भक्त शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाते हैं, उन पर शनि देव विशेष कृपा बरसाते हैं। उन लोगों के शरीर की मानसिक और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। शनि डैया साढ़े सती और शनि महादशा का प्रभाव भी कम हो जाता है। अब बात करते हैं शनि देव को तेल चढ़ाने के 5 जरूरी नियम। यदि कुंडली में शनि अशुभ हो, शनिवार के दिन शनि देव को तेल अर्पित करना चाहिए। लेकिन शनि को तेल चढ़ाते समय कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना होता है। अगर इन बातों को ध्यान में रखते हुए शनि देव को तेल चढ़ाया जाए तो वे भक्त की दुर्भाग्य से रक्षा भी करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनि मंदिर में भगवान शनि देव की प्रतिमा की आँखों में आंखें डालकर देर तक नहीं देखना चाहिए। दर्शन कर सकते हैं, परंतु उनके प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए। शनि देव पर तेल चढ़ाना चाहिए, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि तेल इधर उधर ना गिरे और ना ही खराब तेल हो। अच्छे तेल का उपयोग करें। यदि आप छायादान दान करना चाहते हैं तो उस तेल को नहीं चढ़ाते, उसे कटोरी सहित ही शनि देव के चरणों में रख देते हैं। शनि देव की मूर्ति के एकदम सामने खड़े होकर कभी भी पूजा या प्रार्थना ना करें। शनि मंदिर में यदि बाहर कोई गरीब अपंग या भिखारी हो तो उसे दान आप जरूर दें। नहीं दान दे सकते हो तो कम से कम उनका निरादर भी ना करें। वहाँ सभी से अच्छा व्यवहार करें। शनि मंदिर में किसी भी प्रकार की संसारिक वार्ता ना करें। चुपचाप अपनी पूजा या प्रार्थना करने के बाद मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ देर के लिए बैठें और फिर लौटें। शनि की पूजा में दिशा का विशेष महत्व होता है। शनि को पश्चिम दिशा का स्वामी माना जाता है, इसलिए शनि की पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर ही होना चाहिए। इसलिए जहाँ पर शिला रूप में शनि देव हो वहीं जाएं। माना जाता है कि शनि देव को लाल रंग पसंद नहीं है, इसलिए शनिवार को पूजा में भूल कर भी लाल रंग के फूल या कोई लाल सामग्री का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब भी आप शनि देव को तेल अर्पित करें, उनकी आंखों की ओर ना देखें, उनके चरणों में ध्यान करके मंत्र का जाप करते हुए तेल अर्पित करें। जब भी आप शनिदेव पर तेल अर्पित करें, उसमें एक लोहे की कील
डालकर ही अर्पित करें। इससे आपके दुर्भाग्य में कटौती होगी। जब भी आप शनि देव के मंदिर जाएं तो तेल आप अपने घर से लेकर जाएं। ऐसे क्या होता है कि आपके घर से दुख कष्ट परेशानियां सब समाप्त हो जाती हैं। शनिवार के दिन आप रसोई का सामान ना खरीदें। ये राहु शनि से संबंधित है, ये भूल कर भी ना करें। आज के दिन आप अपने घर से कबाड़ निकाल दें। शनिवार और अमावस्या के दिन कबाड़ निकालने के लिए उत्तम है। आज के दिन एक मुट्ठी काले तिल अपने घर के हर सदस्य के सिर ऊपर से बार कर आप अपनी छत पर डाल दें। जितने पंछी इस तिल को चुगेंगे उतने ही आपके दुख कष्ट ग्रह क्लेश समाप्त होंगे। जब भी आप शनि देव पर तेल अर्पित करें तो तेल आप एक दिन पहले ही खरीद कर लाएं। शनिवार के दिन आप तेल ना खरीदें। ऐसी गलती आप भूल कर भी ना करें। जब भी आप तेल अर्पित करें लोहे या पीतल के बर्तन में ही अर्पित करें। प्लास्टिक के पात्र में तेल अर्पित ना करें। जब आप लोहे की कटोरी में तेल डालकर अपनी छवि देखकर अर्पित करें तो इससे बहुत जल्द ही शनि की पीड़ा समाप्त होती है। ऐसा करने से ऐसी मान्यता है कि आप अपनी छाया शनि देव को दान करते हैं। छाया दान करने से शनि देव की पीड़ा बहुत जल्द समाप्त होती है। ऐसा आप 5 शनिवार करते हैं तो आपके घर से दुख कष्ट क्लेश परेशानियां सब समाप्त हो जाएंगी। शनि देव को जब भी आप तेल अर्पित करें तो उसमें काले तेल अवश्य डालें। आप कभी भी घर में जूस किया हुआ तेल शनि देव के मंदिर में शनि देव की मूर्ति पर ना अर्पित करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।